अमित जी, जब भी आपका नाम कोई सुनता भी है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू पीपल्स माइंड इज एक खड़कती आवाज. शत्रु जी, आपकी आवाज की दुनिया दीवानी है. द टू ऑफ यू ऑल आर द लास्ट एंड द मोस्ट इमिटेटेड पीपल, इफ नॉट ऑन द प्लैनेट देन एटलीस्ट ऑल ओवर एशिया. आप लोगों की मिमिक्री बच्चा बच्चा करता है, जो खामोश आप बोलते हैं, खामोश. और अमित जी का आइकॉनिक डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते. सर, आप एक बार बोल देंगे वो डायलॉग? सर, आपको कैसे बोल सकता मैं ये? अच्छा, जनता को बोल दीजिए सर. रैप अभिषेक की फोटो निकाल सर. हाँ सर, एक बार, एक बार सर. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. ओके, ये एक आइकॉनिक डायलॉग है. सर, हम चाहते हैं शत्रु जी की कुछ अमेजिंग लाइंस है जो आप अपनी आवाज में कहें, और आपके कुछ अमेजिंग डायलॉग्स हैं जो शत्रु जी अपने अंदाज में कहेंगे. तो सबसे पहले इसी डायलॉग से शुरुआत करते शत्रु जी. चार पांच लाइंस हैं. आज मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, फिर बैठी ही रहे तो बेहतर है. शत्रु जी शुरू कीजिए. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. So, one line from you now. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बागरूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. हाथ देखा कि नहीं आप? हाथ देखा, ये हाथ बहुत जरूरी था. विश्वनाथ कहते हैं, ये बहुत जरूरी है. A big fan moment for us. तुम मुझे वहां ढूंढने गए थे, मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं. शाम आए तो कह देना छेनू आया था. बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान. विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, मां का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन, और ये 16वां घंटा चालू है. हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी. और उसी के साथ एक और है इनका, खामोश. यार खामोश इतना पॉपुलर हो गया सर, इट्स बिकम पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. आपको शायद खुद को यकीन नहीं होगा आप दिन में कितनी बार यूज करते हैं. सर मैं आपको बता रहा हूँ, सर मैं आपके पीछे फ्लाइट में एक बार बैठा था, आई थिंक फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और एरोस्टेस बिचारी सर्व करने आई थी, एंड यू जस्ट लुक्ड एट खामोश, एंड शी ऑल्सो स्माइल्ड, यू ऑल्सो स्माइल्ड. सर खामोश इज बिकम वेरी आइकॉनिक. मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सी तहजीब है जी, बहुत पोलाइटनेस है इसमें जी, क्योंकि आप किसी को कैसे चुप रहो. हाँ, बोलेंगे किसी को चुप रहने के लिए तो यही बोलेंगे ना, चुप रहो. बड़ा अजीब सा साउंड करता है खामोश में, न जाने क्यों एक रोमांटिक सी बात चली आती है. क्या ख्याल है? जैसे खामोश पेश किया गया जी, जी, जी. कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी झगड़ा होता है, खामोश खामोश. पति पत्नी बोलते हैं खामोश खामोश. बेटी मेरी सोनाक्षी मुझको बोलती थी कई बार खामोश. तो इन्हें खामोश का इतना ज्यादा ये हो गया है, एक प्यारा सा एक्सप्रेशन हो गया है, न्यारा सा एक्सप्रेशन हो गया है. तालियां. सर हमारे बहुत सारे फैंस हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए. हमारे नहीं, इनके फैंस. हाँ, हमारे शो हमारे कोई फैन नहीं, हमारे कोई फैन नहीं सर, हमारा तो एग्जॉस्ट फैन भी नहीं. हम खुद फैंस हैं. हमारे शो के बहुत सारे ऐसे आपके फैंस हैं, आप दोनों के, जो यहाँ पर आए हैं, जो आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं, और एक छोटा सा हम चाहते हैं कि वो अपने स्टाइल में खामोश भी बोले. तो हम एक खामोश कॉम्पिटिशन करते हैं, देखते हैं किसका खामोश. लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कंपटीशन के जज अमित जी हो. अमित जी, आप अमित जी खुद चूज करेंगे हु इज द बेस्ट खामोश. हु इज द बेस्ट खामोश? ओके ओके, शुरुआत करते हैं. कौन बोलेगा भाई पहला खामोश? अच्छा, पांच लोग खड़े, एक दो वो खड़े होते पहले, वो बोलिए. माइक 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 बोलिए खामोश. सर खामोश. वेल डन. हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? खामोश. इनको दीजिए. इनको ये काफी देर से खड़े हैं. बोलिए सर.
खामोश। एक लेडी यहाँ से यहाँ खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाए, शाबाश। आप बोलेंगी खामोश? खामोश। अरे आप तो खुद इतनी खामोश है। फिर से एक और बार, खामोश। अरे अदब, अदब के साथ। अच्छा लास्ट लास्ट दो है। माइक माइक मुझे दीजिए, मैं आता हूँ यहाँ पर, फटाफट कर लूंगा। दे दीजिए माइक। आप बोलिए, आप आपका नाम सर? डॉक्टर प्रतीक वोरा। जी जी। खामोश। नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहता हूँ। मैं भी भाग लेना सर। रितेश देशमुख, लातूर। खामोश। अमित जी, आपके हिसाब से किसे ये सर्वश्रेष्ठ इनाम मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन ये जो देवी जी हैं, इनके खामोश से मैं एकदम खामोश हो गया। आइए स्टेज पर, आइए आइए आइए। अपॉर्चुनिटी। आप खामोश, बेस्ट खामोश बोलने वाली जीत गई हैं आप। हाँ। लेकिन आपने इतने से प्यार से, नम्रता से खामोश बोला, एक बार चिल्ला के बोलिए ना खामोश। खामोश। कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है Vivo V3 स्मार्टफोन विद 3GB रैम और फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ। अब सर मौका है, ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई ये दो लिविंग लेजेंड से कुछ बात करना चाहता है, इनसे मिलना चाहता है, तो स्टेज इज ऑल योर्स। कौन सवाल पहला पूछना चाहता है? वहां पे जी, वो जेंटलमैन वहां पे, वाइट वाइट शर्ट में। अमिताभ बच्चन जी का और शत्रुघ्न सिन्हा जी का मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। जी जी। मैंने पिक्चर देखना चालू किया शोले पिक्चर से। शोले पिक्चर से। तो आज तक मैं अमिताभ बच्चन जी और शत्रुघ्न जी की पिक्चरें देख रहा हूँ। जी। आपसे गुजारिश है, मेरी बच्ची की लड़की है, उसका आप दोनों शत्रुघ्न सिन्हा जी और अमिताभ बच्चन जी, जी इनका कुछ अच्छा सा नाम सोच के रखें, पोती का नाम। सर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख दी आपने। आप चाहते हैं हम दोनों से प्रभावित हैं, तो उसका नाम शमिता रख दीजिए। शमिता। शमिता में शत्रु जी भी हैं और अमिताभ भी हैं, दोनों हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा नाम मिल गया। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा ये वन मोर, हाथ जो ऊपर किया है उन्होंने। मैं आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। किससे पूछ रहा है? किससे? सबका। दोनों से। अच्छा सर, शत्रु सर, हमने आपको बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि आप विलन को मारते, गुंडों को मारते। सर मेरी आपसे एक ख्वाहिश है सर। बोलो। सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी मारे। ऊपर ऊपर ऊपर। ये तूने क्या मांग लिया? ये क्या बोल दिया तूने? लोग इनसे दुआएं मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। नहीं, वो इसलिए कि जिन जिन को इन्होंने मारा उनकी तकदीर खुल गई है। अच्छा। आइए आइए प्लीज, मेरी जगह बैठ जाइए। मुझे आप मारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे आशीर्वाद आपका उसी से मिलेगा। लग गई तो नहीं सर। और सर और यहाँ पर भी बाकी लोग मारेंगे ना भैया, कितनी बार अपना तकदीर खुलवाएंगे। शो के बाद बाहर मिल, जोर से मारूंगा तुझे मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमको कुछ पूछना है। सबको प्रणाम। लव यू आ इंस्पिरेशन, द लेजेंड ऑन द प्लैनेट, हमारे भगवान श्री अमिताभ बच्चन जी के चरणों में चरण स्पर्श।